अपडेट दे दूं, कल मैंने दोनों आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स दिए थे, मैं अभी भी कायम हूँ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस के जो प्राइवेट लेंडर्स, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और उनका फोकस अब नॉट ओनली ऑन इंश्योरेंस न्यू प्रोडक्ट, डिपॉजिट पे भी बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइबिलिटी फ्रेंचाइज इज गिविंग बेटर, और इनके यहाँ यील्ड्स में मार्जिन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तीसरा मैंने बाटा कहा था, वो मैं अभी भी कंफर्म हूँ कि कंजम्पशन स्टॉक्स आर गोइंग टू लीड द वे। गोदरेज कंज्यूमर मेरा एक टॉपिक होता था, वो न्यू हाई पे गया है, और मुझे लग रहा है बाटा विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग क्वार्टर। आज के लिए तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल भसीन साहब, शुरू कीजिए, इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए मैं आरईसी पीएफसी दोनों पे बाय दे रहा हूँ। आज रिसेंट रैली के बाद इनमें करेक्शन आया है इन लाइन विद द मिड कैप, लेकिन अंडरलाइन में जहां तक हमारी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में बेस्ट एवर रिजल्ट्स आएंगे, हाईएस्ट निम आएगी, हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनकी प्रोसीड्स है वो बेस्ट एवर है। तो आरईसी 435 में लीजिए, 425 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट, और पीएफसी 373 में लीजिए, 365 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। थोड़ा सा 1-8 रुपए आप और वॉलिटिलिटी के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये लेने वाले लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटमिंग आउट दिखेगी, मुझे लगता है इनमें वापस 5-7% आपको रैली जल्दी दिख सकती है। तीसरा मेरा फेवरेट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया बुल रियल इस्टेट। इसने 95-98 डबल टॉप बॉटम टेस्ट किया है, और जहां से रिबाउंड 120 का बहुत स्ट्रांग है, 125 के ऊपर ही ये गोली की तरह चलेगा, 150 तक हाथ नहीं आएगा। आपको ये भी बता दूं, 24 तारीख को एनसीएलटी होपफुली इसके मर्जर को क्लियर कर देगी, जिसमें एम्बेसी का स्टेक बढ़ जाएगा, एम्बेसी, ब्लैकस्टोन और जो दो तीन बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड रियल इस्टेट स्टॉक है, जो यहाँ से अगले साल तक डबल भी हो सकता है। अभी हम 150 रुपए का टारगेट कह रहे हैं, एंड वेन वी विल रिव्यू इट। हाँ, इसमें 110 का आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है।